bounds. Hello guys, this is Ajay and you are watching Government Jobs Analysis. तो गाइस आज मैं आपको वीडियो लेके जा रहा हूँ जिन बच्चों को डाउट आ रहा है कि ITVP के जो है स्टेटस कैसे चेक करना है कॉन्स्टेबल ट्रेडमेंट्स के लिए, जो कि भर्ती पिछले साल निकली थी एंड ऑफ दिसंबर में। तो बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर मुझे मेरा स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा हूँ सर, सिक्योरिटी क्वेश्चन मेरा भूल गया है सर, मैं कैसे चेक करूँ। सो दोस्तों, तो ये उन बच्चों के लिए वीडियोज़, उन मेरे भाइयों के लिए वीडियोज़ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल में लिखना है ITVP, उसके बाद दोस्तों ये इस तरह का लिंक आएगा ITVPolice.nic.in, इसके साथ में नीचे लिखा रहा है ITVP रिक्रूटमेंट, तो वहाँ पे आपने क्लिक मारना है। क्लिक मार दिया, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पर लिखा हुआ ITVP रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन कर दिया, सिंपली लॉगिन करो, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़र नेम लिखना है अपने यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं अपने यूज़र नेम लिख देता हूँ, लिख दिया, ओके। उसके बाद दोस्त यहाँ आपने लिखना अपना पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा जो है आप लोग कैप्चा एंटर करना है बॉक्स के अंदर C8NFC। लॉगिन करो, लॉगिन किया आपने, लॉगिन किया, काइंडली एंटर करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी कि मुझसे गलती हो चुकी है मेरे यूज़र नेम लिखने में, ठीक है। तो आपने सिंपली यूज़र नेम दोबारा लिखना है, जैसे कि मेरा यूज़र नेम ये था, ठीक है। नेक्स्ट आप पासवर्ड लिखिए अपना, आप अपना कैप्चा भरें यहाँ पे, ओके। लॉगिन पे क्लिक मार दीजिए, लिखिए, खुल गया ना, ये खुल गया मेरा डैशबोर्ड। ये मेरा रेफरेंस नंबर ITVP का, ये एक्शंस है कौन से मैंने अप्लाई कर रखा, वो आपको यहाँ पे एक्शंस पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका ऐसे नहीं खुल रहा है तो ये देखो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी खुल जाएगी आपकी, ठीक है, कि आपने कौन सा ट्रांजेक्शन कर रखा है, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन कर रखा है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का फॉर्म भरा था जो कि सक्सेस हो चुका है, पेमेंट मेरा नंबर ये है, अमाउंट नंबर ये है, बैंक रेफरेंस नंबर ये दे रखा है, और कोई एरर नहीं है, जो कि मैंने पिछले 30/8/2017 में किया था, ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों मैंने एक बार ट्राई फिर से किया था जो कि मेरा फेल्ड हो गया था, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक सक्सेस हो चुका था मेरा ये वाला, ठीक है। तो ये आपका पता चल जाएगा कि आपकी पेमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी। उसके बाद दोस्त आपने क्या करना है, माय एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। गए आप माय एप्लीकेशन पे, ये जो बन रखा है नीचे टावर का साइन, तीन डंडे बन रखे हैं, इन पर क्लिक मारना है और यहाँ पे स्टेटस चेक करना है। देखो स्टेटस मेरा क्या बता रहा है, एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे स्टेटस कनेक्ट नहीं हो रहा, आपसे लॉगिन नहीं हो रहा, तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले आप इसको लॉग आउट कर दो, उसके बाद अपना आप यहाँ पे यूज़र नेम लिखो, नहीं तो सबसे पहले आप ये कर दीजिए कि फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक मारना है, ठीक है। उसके बाद दोस्त आपने क्या करना है, यहाँ ईमेल भरना है, अपना न्यू पासवर्ड आपने जो भरना चाहते हो, नया पासवर्ड लगाना चाहते हो वो भरना है, यहाँ पे फिर से वही पासवर्ड भरना है जो आपने नया पासवर्ड लगाया है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहा है तो ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों को पता है वो तो फिर यहाँ पे भरकर सिक्योरिटी क्वेश्चन भरकर यहाँ पे आंसर लिख देना। जिनको नहीं पता दोस्तों, उनके लिए ये चीज़ है कि उनके जो एडमिट कार्ड्स आएंगे, उनके जो है ऑफिशियल जो उन्होंने वेबसाइट अपने जीमेल अकाउंट दे रखा है, जैसे कि मेरा जो जीमेल अकाउंट था वो मेरे नाम से है, ठीक है, मेरे फादर के नाम से, तो मैं उस अकाउंट पे अटैच कर रखा, तो मेरे आपके जो आपके ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके खोलने की, और अगर आपसे गुम हो जाता है दोस्तों, तो जब आपके वहाँ पर चेकिंग होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, तो वहाँ पर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह आप उनसे पूछ सकते हैं, सर कि हमसे लॉस्ट हो चुका तो हम क्या कर सकते हैं।
तो दोस्तों घबराने की बात तो है नहीं, एडमिट कार्ड सभी को आएगा भाई। आपको ईमेल आपके आपके जीमेल अकाउंट पे आपको मिल जाएगा, आपको पर्सनली आपके आपको एक ईमेल आएगा उनकी तरफ से, एडमिट कार्ड की तरफ से, ठीक है। अगर आपने जीमेल पे अपना अकाउंट बना रखा है दोस्तों, अगर आपने जीमेल के साथ इसको अटैच कर रखा है आईटीबीपी को, तो आपको अकाउंट में आपको आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि सभी ने अटैच कर रखा है, ठीक है। अटैच करने के बिना आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ईमेल के थ्रू भी आईटीबीपी एडमिट कार्ड भेज देगी, आपकी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे करने की, ठीक है। तो यही था वीडियो कि घबराए नहीं, सभी का एडमिट कार्ड आएगा, जिन बच्चों का सही है उनका आएगा, ठीक है। सीधी सी बात मैं ये कहता हूँ साफ कि जिन बच्चों का एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, जिनका एक्सेप्ट आ रहा है, या जिनका नहीं भी आ रहा दोस्तों, वो वेट कर सकते हैं। अगर उनका एडमिट कार्ड आ गया बाई ईमेल तो बढ़िया है, अगर नहीं आता तो समझ लीजिए अपने आपके आपकी जो रिजेक्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, ठीक है। ये मेरी वीडियो यही थी आज की कि आप घबराए ना, आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बिल्कुल सही लगी हो। तो फ्रेंड्स डू शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।